किसी भी राजनीतिक दल के लिए हार और जीत लगी रहती है। लोकसभा चुनाव हो अथवा विधानसभा चुनाव हो, हार और जीत लगी रहती है। परंतु इस हार से राष्ट्रीय क्षेत्रीय बन जाए, यानी राष्ट्रीय दल को दर्जा समाप्त हो जाए, तो ये शर्मनाक है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरे देश से जीती। अच्छी बात है, जीत गए। परंतु बसपा का, राष्ट्रीय दल का दर्जा अब खतरे में आ गया है। देश में केवल दो ही पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा, बीजेपी और कांग्रेस। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 4.5% मत मिला था पूरे देश का, और पूरे देश से आया था। इस बार 3.5% से भी कुछ कम हो रहा है। आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में 0.39% है मत। लोकसभा चुनाव का परिणाम जन भावना व जन अपेक्षाओं के ठीक इसके उल्टा ही आया है, विपरीत ही आया है। और वैसे भी जब देश की सारी व्यवस्था, संस्था आदि निरंकुश सरकार के सामने घुटने टेकने लगे, तो तब फिर अंत में देश की जनता को खड़ा होना पड़ता है। जिस संबंध में भारत का राजनीतिक व चुनावी इतिहास काफ़ी धनी है और सारी दुनिया के लिए ये एक मिसाल भी है, और इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। साथ ही वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का संघर्ष अपने भारत देश में कोई नई बात नहीं है। इस संघर्ष ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अच्छी खासी सफलता भी अर्जित की है। इसके फलस्वरूप ही फिर देश के राजनीतिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए और समाज के उपेक्षित, दलित, शोषित व उपेक्षित वर्गों के लोगों की सत्ता व सरकार में कुछ हद तक भागीदारी भी बढ़ी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसे भी अब ईवीएम के माध्यम से, इसे भी अब खासकर ईवीएम के माध्यम से वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने, अर्थात बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने पूरे तौर से हाईजैक कर लिया है। हमने अपने दर्शकों से कभी कोई चीज छिपाई नहीं है। हम पश्चिम बंगाल का आपको दिखाते रहे हैं। हमने बोल्डली कहा कि सरफराज खान दक्षिण कोलकाता से जीत रहे हैं, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन्हें मात्र 2000 वोट मिला। 10000 वोट तो एक निर्दलीय इंडिपेंडेंट को मिल जाता है, 2000, 4000, 3000 इस तरह के मत मिल रहे हैं। जो आपका यूपी है वहां 20% मत है, पंजाब में 3.5% मत है, और बाकी देश के हिस्सों में यानी बिहार आ जाइए तो 1.67% है वोट। ये मत प्रतिशत क्यों गिर रहा है, प्रश्न यह है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि बसपा नेता और बसपा कार्यकर्ता केवल चुनाव में दिखाई देते हैं, हमारे गांव में कभी आते नहीं हैं। तो केवल जब चुनाव आएगी, जब वोट लेने की बारी आएगी, तभी आप दलितों को, बहुजनों को याद करेंगे। देश के जितने भी डिप्रेस क्लास हैं, क्या पूरे 5 साल आप इनके साथ नहीं रहेंगे? ये सोचने वाली बात है। हम केवल सामने वाले को दोषी ठहराते रहे, वह सही नहीं है। अपने पीछे मुड़कर भी देखना होगा, अपने भाइयों को भी स्ट्रांग करना होगा, उनकी कमियों को देखना होगा। हर जगह से ये आवाज लग रही है। हमने माना कि ईवीएम हैक करके बीजेपी जीत गई, परंतु हम बुरी तरह क्यों हारे? जितना हमें मत मिलना था उतना क्यों नहीं मिला, और हमारा जो वोट प्रतिशत है वो इतना क्यों गिरा? यह सब सोचने की बात है। अगर कोई कहता हो कि बहन मायावती जी ने ध्यान नहीं दिया, तो बहन मायावती जी अकेले के अपने देश को ध्यान देंगे? कार्यकर्ताओं की कोई ड्यूटी नहीं? जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, क्या वो ध्यान नहीं देते हैं? हम आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश कार्यालय में मैं भी गया था चुनाव के दौरान, परंतु वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की, उनके पास टाइम नहीं था, जबकि मैं उनके वीडियो को पब्लिश कर रहा था, उनकी कवर कर रहा था। हमने अपने सर्वे में वह पाया कि आपको वो जनता वोट दी है इस बार
जिन्होंने हाथी छाप अथवा माननीय काशी राम जी के फोटो को सीने से लगाए हुए थे, बहन मायावती जी के नाम पर वोट दिए। अगर कोई कहता है कि हमने बड़ी मेहनत की, यह सही नहीं होगा, यह सच नहीं होगा। मैं आपको दिल्ली का बता देता हूं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, 2 पर तो कैंडिडेट ही फेल हो गए अपने फॉर्म में एप्लीकेशन भरने में, बची 5। 5 सीट पर मात्र 2 सीट पर ही नजर आ रहे थे आपके उम्मीदवार, बाकी 3 सीट पर आपने फॉर्म ही क्यों भरा, आपने नामांकन ही क्यों किया, जब आपको घूमना ही नहीं है क्षेत्र में, लोगों से मिलना ही नहीं है। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। रही बात ये कि बसपा के साथ जुड़कर बहुत सारे लोगों ने केवल मौका तलाशने की कोशिश की कि जब ये ताकत में आएंगे तो कुछ हम इनसे प्राप्त कर लेंगे। किसी ने दिल से वहां पे मेहनत नहीं किया, क्षेत्र में नजर नहीं आए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बहुजनों की आवाज, बहुजनों के फायदे के लिए जो भी बातें उठेगी और इनके साथ जो लोग गद्दारी कर रहे हैं वह हम सब बताएंगे। हम आपको सच्ची और पक्की खबरें बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।